कैथल में मंगलवार को सीवन थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 साल के युवक के अपहरण के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस को फिरौती में लिए गए कुछ रुपए और इस्तेमाल की गई गाड़ी मिली है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि ज्ञान सिंह निवासी गुना की शिकायत के मुताबिक उसका 28 साल का भतीजा राहुल ठेकेदारी का काम करता है, जो कि 14 फरवरी को घर से काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन शाम को वो वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने सीवन थाने में मामला दर्ज करवाया। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति राहुल को किसी झूठे केस में फंसाने का दबाव बनाकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और आरोपियों की तलाश में निकल पड़ी। ये जी, हमारे पास एक मिसिंग के लिए कंप्लेंट आई थी, हमने उसमें मामला दर्ज किया था। उसके बाद उनके परिवार वालों ने बताया कि इनका फोन आया था जिसपे मामला कितना टीका लगा, उस आधार पे हमने आगे कार्रवाई तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे SP साहब ने निर्देश दिए, जिस आधार पर हमने टीम बना के रेड की, रेड में हम दो उनको हमने दर्द पहुँचा। ठीक है सर, तो टोटल कितने आदमी थे सर जिसको पकड़ने गए थे आप लोग? अब उसने जो पकड़ने गए थे ये तो हम मौके पर ही पता चला भाई, उसने जिस गाड़ी में वो आए थे वो तीन व्यक्ति थे जिनमें से दो हमने गिरफ्तार कर लिए, एक भागने में सफल। तो उनकी पहचान क्या है सर, मतलब जो पकड़े गए? एक जय और एक धीरज, जो कि खडवाली रोहतक गांव से करते हैं, रोहतक रहने वाले सर जी। तो ऐसा भी सर कोई सूचना मिली थी कि आपकी गाड़ी और जो पुलिस की टीम है उन पर हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट किया, मेरे ऊपर व्हीकल चढ़ा, क्योंकि जब हम उनको राउंड अप कर रहे थे तो उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी और चढ़ाने की कोशिश की, जिस मामले में भी हमने राजन थाने में शिकायत की। जब पुलिस ने इन आरोपियों को नाके पर रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया है और पूछताछ कर रखी है। पंजाब के CCTV चंडीगढ़ के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।